यूएन में रूस के प्रतिनिधि वेस्ली निम्बेजिया का यह बयान सामने आया, जहां नेटो से यूक्रेन को खुफिया जानकारी मिल रही है और नेटो यूक्रेन को बताता है हमला आखिर करना कहां है। एक तरह से यूक्रेन नेटो का सदस्य बन चुका है। तो इस पूरे युद्ध के दौरान हमने देखा है और ये तमाम एक्सपर्ट्स मानते भी हैं कि यूक्रेन अगर रूस की आर्मी का मुकाबला कर पाया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगातार नेटो की तरफ से हर संभव मिल रही है और तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ये मदद आगे भी जारी रहेगी और यही बात रशिया को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही है। ऐसे में समझना होगा यूक्रेन नेटो साथ रूस पर कैसे करेंगे आघात, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। दरअसल देखिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद कर रहा है नेटो, ये वेस्ली निम्बेजिया की तरफ से कहा गया है और ये मदद कितने बड़े स्तर पर की जा रही है इसको समझने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। नेटो यूक्रेन को खुफिया जानकारी और वेपन मुहैया करा रहा है, ये निम्बेजिया की तरफ से कहा गया है। रूस पर कहाँ हमला करना है नेटो ही यूक्रेन को बताता है, ये भी महत्वपूर्ण बात इनकी तरफ से कही गई है। एक तरह से यूक्रेन नेटो का सदस्य बन चुका है, ये बड़ी बात कही गई है। कीव में मिंस्क समझौता माना होता तो शांति होती, ये बड़ी बात। जब रूस को यूक्रेन से खतरा नहीं होगा तभी युद्ध विराम संभव होगा। तो कुल मिलाकर जो शर्तें लगाई जा रही हैं दोनों ही देशों की तरफ से शांति वार्ता को लेकर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये बड़ा दावा संजय सोई सर ये निकलकर सामने आ रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि नेटो ही है जो तमाम तरीके के इनपुट्स और डिटेल्स दे रहा है, कब कहाँ कैसे किसे टारगेट पर लेना? प्रतिमा जी, ये बिल्कुल सही बात है और ये आपके चैनल में पहले कई बार बताया जा चुका है और आप लोगों ने कवर किया है और ये बात आज वहाँ पे उनके प्रतिनिधि कह रहे हैं कि बिना इस तरह की खबर के यूक्रेन लंबी जंग हासिल जारी नहीं रख सकता था कि किस प्रकार से कहाँ पे रशिया के कॉन्वॉय आ रहे हैं, कहाँ पर उनके टैंक आ रहे हैं, कहाँ पर उनकी सेना है, कहाँ उनकी सेना कमज़ोर है। उस हिसाब से यूक्रेन के जो फाइटर्स हैं वो चाहे जेवलिन मिसाइल हो, स्टिंगर मिसाइल हो, इनका इस्तेमाल करके रशिया को नुकसान पहुँचाते रहे। दूसरी बात, जो हथियारों की सप्लाई है वो सबको मालूम है, देख रहे हैं किस प्रकार से। अभी आपने दो मिनट पहले दिखाया कि हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, गन, होविट्जर, हाइमार, ये दुनिया भर के हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं। तो ये रशिया जो कह रहा है इसमें कोई बिल्कुल 100% सच है कि उसके बिना, इस तरह की मदद के बिना यूक्रेन इतनी लंबी लड़ाई जारी नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर हैंड ये बात भी तो बार बार कही गई है कि जितने मर्जी हथियार दे दीजिए बशर्ते वो हथियार चलाने तो आते हो यूक्रेन को। इसीलिए खास तौर पर निधि हमने देखा ये अपडेट है कि जिस तरीके से पैट्रॉइड का या डिफेंस कवरेज देने की कोशिश की गई है, अब उसको लेकर खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है।